बच्चों को ये कागज का मेंढक इसलिए पसंद आता है क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से कूदता है। इसके लिए आपको एक आयताकार कागज चाहिए, 20 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा। उसको पहले आप आधे में मोड़िए जिससे उसमें दो स्क्वेयर्स बन जाए। उसके बाद दोनों वर्गों में कट्टम काट मोड़िए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि चारों भी जो कट्टम काट के मोड़ हैं वो सभी एक ही दिशा के अंदर हों। उसके बाद में इस कागज को आप पलटिए और इसके दो जो छोटे सिरे हैं उनको मध्य रेखा तक मोड़ दीजिए, जिस तरह से कि एक डबल दरवाजा बंद करते हैं। अब इसमें देखिए इस तरह की कटोरी जैसी मुड़ जाएंगी और इसको अगर आप कोलैप्स करेंगे तो दो बड़े ट्रायंगल बन जाएंगे, त्रिभुज बन जाएंगे। ये हैं दो त्रिभुज और इनको आप आधे में मोड़ लीजिए जिससे कि चार छोटे छोटे त्रिभुज बन जाए और ये सभी त्रिभुज जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। उसके बाद में आप इनको बाइसेक्ट कीजिए और इससे एक पैर बाहर निकल आएगा। इस तरह से आप इस मेंढक के चारों पैर बनाइए। उसको पलट लीजिए तो आपको चारों पैर दिखाई देंगे और इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो मोड़ दीजिए और उसके बाद में इसका तिकोना सिर मोड़ने के लिए रीढ़ की हड्डी तक दोनों सिरों को मोड़िए। जो निचला हिस्सा है उसको ऊपर ले आइए। अब जो ये निचला हिस्सा है इसके अंदर दो पॉकेट हैं और दोनों फ्लैप को इन पॉकेट के अंदर घुसा दीजिए। ये एक तरह की तालाबंदी होगी, इससे आपका मेंढक खुलेगा नहीं पर यह भी कूदेगा नहीं। उसके लिए आपको इसमें एक जेड आकार की स्प्रिंग मोड़नी पड़ेगी और उसी से इस मेंढक के अंदर असली जान आएगी। ये देखिए उसकी एक जेड शेप्ड स्प्रिंग है और उसके बाद में दो आप सफेद आंखें लीजिए कागज की जिनके बीच में एक काला बिंदु हो और इनको चुपका दीजिए तो इससे बिल्कुल मेंढक के चेहरे पे एक रौनक आ जाएगी, बिल्कुल असल का ये मेंढक लगने लगेगा। उसके बाद में आप बस इस देखिए इसकी इस जेड शेप स्प्रिंग को आप एक बार दोबारा देखिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप स्प्रिंग को दबा करके रिलीज कीजिए तो मेंढक एकदम कूदेगा, जंप मारेगा। और सबसे मजा तो ये है कि आप इसको कुदाइए और इसको एक कुएं के अंदर डुबकी लगाने दीजिए। चार बच्चे इसके चारों ओर बैठ सकते हैं और इस खेल को खेलने का आनंद ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि मेंढक को कुदा करके उसको कुएं के अंदर डालना, और ये मेंढक बच्चे खुद अपने हाथों से बना सकते हैं।